बिहार की राजनीति में रविवार को बड़ा भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल को त्याग पत्र सौंप दिया है। बिहार में बीते 3 दिनों से सियासी ड्रामा लगातार जारी था। इस ड्रामे पर रविवार 28 जनवरी को उस समय ब्रेक लग गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर उपराज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस फैसले के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर गई है। वहीं मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार की सुबह इस्तीफा देने के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने राजभवन से बाहर निकलने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी से चर्चा करने के बाद मैंने ये फैसला किया है और इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के सभी कार्यों का क्रेडिट आरजेडी ले रही थी, काम मैं भी कर रहा था, हालांकि किसी काम का क्रेडिट मुझे नहीं दिया जा रहा था जिसे मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को बता दें कि आज हमने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में जो सरकार चल रही थी वो खत्म हो गई है। बिहार में इस्तीफा देने की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि गठबंधन में सब ठीक नहीं था। पार्टी की राय के बाद हमने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन से अलग होकर नया गठबंधन बनाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य घटक दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले साथ रहे अन्य दल आज ही मिलकर तय करेंगे कि नई सरकार के गठन को क्या लेकर फैसला करना है। इंतजार करिए। नीतीश पर अवसरवादी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के गठन में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने गठबंधन कराया लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था तो हमने बोलना ही छोड़ दिया था। नीतीश के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने उनकी तुलना गिरगिट से की है और कहा है कि राज्य की जनता उनके विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक नाटक रचा गया। दूसरी ओर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने बताया कि भाजपा विधायकों ने जदयू के समर्थन से बिहार में राजग की सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।